एनटीए ने फाइनली ऑफिशियल आंसर की के साथ साथ ओएमआर शीट भी रिलीज कर दी है, जिसकी हेल्प से अब तुम लोग एक आइडिया तो लगा पा रहे हो कि तुम्हारा कितना स्कोर बन रहा है। बट उस स्कोर के भरोसे तुम दूसरों से ये मत पूछो कि तुमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कॉलेज मिलना या ना मिलना डिपेंड करता है तुम लोग कौन से प्रेफरेंस पे किस कॉलेज को रखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी CSS फेज 2 के दौरान। हाँ, ये सबसे बड़ा क्रूशियल स्टेज है जो डिसाइड करने वाला है तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज का पार्ट बनोगे। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज किसी का 800 और 800 स्कोर बन रहा है, उसको तो लग रहा होगा क्योंकि उसके सीनियर ने बोला है कि तेरे को तो SRCC आराम से मिल जाएगा, तेरे पूरे आ रखे हैं। बट अगर उसने प्रेफरेंस लिस्ट में SRCC को डाला ही नहीं होगा तो उसको SRCC मिल कहां से जाएगा, ड्यू को सपने नहीं आ रहे हैं। प्रेफरेंस लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भरना, और एक सही प्रेफरेंस लिस्ट तुमको तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक आराम से पहुंचा सकती है। आज इस वीडियो के जरिए इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस शीट तुमको डिजाइन करनी है। और हाँ, इस वीडियो के जरिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज भी लॉन्च करूंगा प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड ही। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिना टाइम पर वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। क्यों बोला है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए जिस भी कोर्स को तुम टारगेट कर रहे हो उस कोर्स की सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तुम फुलफिल कर भी रहे हो या नहीं। मेरे यहाँ कहने का क्या मतलब है, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, जो कि है इंग्लिश, अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स में से एक, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। इन चार सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स देखेंगे। इन चार सब्जेक्ट्स में तुम लोगों का कितना CUET स्कोर बन रहा है ये डिसाइड करेगा तुम्हारी कट ऑफ मैच होगी या नहीं। मैं वापस से बता रहा हूँ, जिस भी कोर्स को तुम टारगेट करने का प्लान कर रहे हो उसकी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले फुलफिल करना पड़ेगा तुमको। अगर सपोज तुमने इंग्लिश ही नहीं दिया CUET में, तो भाई तुम लोग बीकॉम ऑनर्स के लिए तो बिल्कुल भी एलिजिबल हो नहीं, और मेजोरिटी कोर्सेज में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट तो कंपल्सरी है ही। इसी रीजन से मैं पहले ही बता रहा हूँ तुमको, सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट की लिंक दे रखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो ऑफिशियल वेबसाइट है जो उन्होंने 2023 में रिलीज करी थी। वहां से तुम चेक कर पाओगे कि किस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो तुमको फॉलो करना है, और उसी क्राइटेरिया के हिसाब से तुम लोगों का स्कोर चेक हो रहा होगा। हर एक सब्जेक्ट को ड्यू कंसिडर नहीं करेगा। बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश के मार्क्स देखेगा, अकाउंटेंसी चाहिए अकाउंटेंसी के मार्क्स देखेगा। पहले ही बता रहा हूँ सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है जो ड्यू चेक करेगा तुम लोगों को कोई भी कोर्स अलॉट करने से पहले। पॉइंट नंबर 2, चलो मान लिया जिस भी कोर्स को तुम टारगेट कर रहे हो उस कोर्स की सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तुमने फुलफिल कर लिया, बट क्या वो पर्टिकुलर कोर्स तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में पढ़ाया जाता है या नहीं, और अगर हाँ तो उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ये कहाँ से चेक करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसके लिए भी एक स्पेसिफिक साइट रिलीज करी थी जिससे तुम शायद अनअवेयर हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वेबसाइट की भी लिंक दे रखी है, जहाँ पे तुमको कोर्स के नेम नजर आएंगे। किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे उस कोर्स से रिलेटेड जो भी कॉलेज वो कोर्स पढ़ा रहा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो पूरी लिस्ट वहां पे शो हो जाएगी, ठीक है, विद कैटेगरी वाइज सीट बाइफर्केशन एज वेल। हाँ, कैटेगरी वाइज उन्होंने सभी सीट्स को डिवाइड करके वहां पे शो कर रखा है कि जनरल के लिए इस कॉलेज में इतनी सीटें हैं, SC के लिए इतनी सीटें हैं, OBC के लिए इतनी सीटें हैं, ST के लिए इतनी सीटें हैं, कैटेगरी वाइज डिविजन है। इससे तुमको एक बेटर आइडिया लग जाएगा क्या तुम्हारे चांसेस हैं उस कॉलेज में एडमिशन होने के जिस भी कोर्स को तुम टारगेट कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने दोनों वेबसाइट की लिंक दे रखी है, पहली वेबसाइट जिसकी हेल्प से तुम ये आइडिया लगा पाओगे जिस भी कोर्स को तुम टारगेट कर रहे हो वो कोर्स की सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और दूसरी वेबसाइट जहां से तुम लोग ये पता कर पाओगे जिस भी कोर्स की तरफ तुम जाना चाहते हो क्या वो कोर्स तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में ऑफर किया जाता है या नहीं। क्योंकि मेजोरिटी को तो पता है, हालांकि कुछ को ये नहीं पता, SRCC सिर्फ 2 कोर्स ऑफर करता है, बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स, जब हम बात करते हैं सिर्फ स्पेसिफिकली अंडर ग्रेजुएशन की।
तीसरा मेन पॉइंट, भैया हमने ना मार्केट में एक टर्म सुनी है पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंसेस, जरा इसके बारे में भी बताओ। मैंने पहले ही क्लियर करा है, मैं वापस से बता रहा हूँ, पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इतने सारे स्कैम्स पिछले 2 सालों से चलते आ रहे हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम आपके स्कोर के बेसिस पे एक प्रेफरेंस शीट डिजाइन करके देंगे। भाई वो सिर्फ लूटने में लगे पड़े हैं, कोई भी तुमको तुम्हारे कम स्कोर पे पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बेचने की कोशिश करे, प्लीज समझ जाना कि वो स्कैम है। किसी भी ऐसे स्कैम में मत फंसना। अगर प्रेफरेंस फिलिंग में गलती कर दी तो पछताओगे बहुत बुरा। हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर में बनाई जाती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर ही रखना। किसी और के बहकावे में आके कहीं साउथ कैंपस या फिर ऑफ कैंपस की कॉलेज को नॉर्थ कैंपस के ऊपर मत डाल देना, हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर ही फॉलो करना। मैं वापस से एज ए रिमाइंडर बता रहा हूँ, पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। चाहे तुम्हारा स्कोर कम बन रहा है, चाहे तुम्हारा स्कोर ज्यादा बन रहा है, हमेशा हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर में ही प्रेफरेंस लिस्ट को सबमिट करना है डेल यूनिवर्सिटी CSES फेज 2 में। फोर्थ पॉइंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सिमुलेटेड रैंक्स जो DU अपनी तरफ से रिलीज करता है, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा प्रेफरेंस लिस्ट डिजाइन करने के लिए। मैं एग्जांपल देख के समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सिनेरियो लेते हैं जिससे समझ आ जाएगा ये सिमुलेटेड रैंक आखिर है क्या। देखो, जब तुम DU के CSES फेज 2 में प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट करोगे, उसके कुछ दिनों बाद DU अपनी तरफ से सिमुलेटेड रैंक्स निकालता है। सिमुलेटेड रैंक्स का क्या मतलब है, तुम लोग जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे साथ और भी लोगों ने अप्लाई किया होगा, है ना। अब तुम्हारी क्या रैंक है उन सभी लोगों में जिन लोगों ने उस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, ये होती है सिमुलेटेड रैंक। एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सपोज तुम्हारे 780 स्कोर बन रहे हैं आउट ऑफ 800 और तुम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स को जब तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबमिट करोगे, डेल यूनिवर्सिटी तुमको बताएगा कि तुम्हारा जितना स्कोर है उसके हिसाब से और लोगों ने भी बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया होगा प्रेफरेंस शीट फिलअप करते टाइम पे, है ना। इन दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रख के डेल यूनिवर्सिटी बताएगा कि तुम्हारा जो ये 780 वाला स्कोर है, इतने सारे बच्चों में तुम कहाँ लाई कर रहे हो, ठीक है। ये होती है सिमुलेटेड रैंक। इससे एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि अभी कितना कंपटीशन चल रहा है, तुम लोगों के उस स्कोर पे कितने और बच्चे हैं जो तुमसे आगे हैं। और सिमुलेटेड रैंक्स निकालने के बाद DU एक और चांस देता है, तुम अपनी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब रीअरेंज कर पाओगे। इससे फायदा ये होता है, एक तरह से ना हमें आइडिया लग जाता है हमारे किस कोर्स में होने के बेटर चांसेस हैं, ठीक है। मैं वापस से बता रहा हूँ, जो सिमुलेटेड रैंक्स निकलती है वो कोर्स वाइज निकलती है, कॉलेज वाइज नहीं निकलती। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, अप टू डेट रहना, जो भी छोटे मोटे अपडेट्स हैं डेल यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं इस चैनल के जरिए तुम लोगों तक पहुंचाता रहूंगा टाइम टू टाइम। अब बारी है सबसे बड़ा सरप्राइज जो मैं अपनी तरफ से रिलीज करने वाला था, बता दूं, चलो बता ही देता हूं। इतनी मेहनत मैंने तुम लोगों को करने को इसलिए बोला था ताकि थोड़ी बहुत रिसर्च तुम भी कर पाओ। मैं अपनी तरफ से कॉमर्स रिलेटेड प्रेफरेंस शीट फ्री में दे रहा हूं। हाँ, आज मैं रिलीज कर रहा हूँ, आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ कॉमर्स रिलेटेड प्रेफरेंस शीट्स। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों के साथ मैंने शेयर कर रखी है ऑलरेडी। उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दो, उस गूगल फॉर्म को हर जगह सर्कुलेट कर देना। डेडलाइन है 25 जुलाई को। हाँ, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25 जुलाई तक CSES फेज 2 रिलीज हो ही जाएगा। जैसे ही रिलीज होगा, तुम लोग जो मेल आईडी उस गूगल फॉर्म में सबमिट करोगे, उस मेल आईडी पे मेरी तरफ से एक मेल जाएगा जहाँ पे ड्राइव की लिंक होगी, जिसके जरिए तुम कॉमर्स रिलेटेड प्रेफरेंस शीट फॉर ईच एंड एवरी कोर्स तुम लोग एक्सेस कर पाओगे। हाँ, उन प्रेफरेंस शीट से तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, किसी और को पे करने की जरूरत नहीं है। जितिन भाई ने प्रॉमिस किया था तुम लोगों के साथ लास्ट दम तक टिका रहूँगा और अभी भी टिका। उन टर्म्स एंड कंडीशन को भी अच्छे से पढ़ लेना। जो प्रेफरेंस लिस्ट मैं तुम लोगों को तुम्हारी मेल आईडी तक पहुंचाऊंगा, उनको तुम रीअरेंज भी कर पाओगे उन कॉम्बिनेशंस को। बट दूसरे कोर्सेज से रिलेटेड प्रेफरेंस शीट शायद मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। बट प्लीज उस गूगल फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो प्रेफरेंस शीट्स मैं इस चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए ही रिलीज कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एक मस्ट कंपल्शन है। स्क्रीनशॉट सही तरीके से लेना, वहाँ पे अटैच करने का ऑप्शन है, क्योंकि अगर इनकरेक्ट
स्क्रीनशॉट डालोगे तो फॉर्म तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। और हाँ, उस गूगल फॉर्म की डेडलाइन है 25 जुलाई। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ जितना डिले एनटीए अभी तक कर रहा है और रीटेस्ट भी कुछ लोगों का लेने वाला है, उसके हिसाब से 25 जुलाई तक तो CSS फेज 2 रिलीज हो जाना चाहिए। अगर उससे पहले हो जाता है तो तुम्हारी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, जो मेल आईडी तुम गूगल फॉर्म में सबमिट करोगे, उस पे मेरी तरफ से मेल आ जाएगा जहाँ पे कॉमर्स रिलेटेड प्रेफरेंस शीट मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ। सिंपल फंड है। फॉर्म को अपने और फ्रेंड्स के बीच और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स का तुम पार्ट हो हर जगह पहुंचा देना, क्योंकि फॉर्म की डेडलाइन मैं एक्सटेंड अपनी तरफ से नहीं करने वाला हूँ। और उस गूगल ड्राइव का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेल आईडीज को होगा। सो बस इतनी ही बात मुझे तुम लोगों तक पहुंचानी थी। मुश्किल सफर है लेकिन साथ मुझे तुम लोगों को पूरा पूरा चाहिए। डेल यूनिवर्सिटी तक पहुंच के रहेंगे, आखिरी कदम है, सही तरीके से पार कर लेना। क्लास 12 बोर्ड से जो सफर शुरू हुआ था उसको फुल स्टॉप देने का समय आ गया है। हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में बोलूंगा, दिल्ली दूर नहीं है मेरे यार। मैंने की तरफ बता रहा हूँ, 25 जुलाई डेडलाइन है, कॉमर्स रिलेटेड प्रेफरेंस शीट मेरी तरफ से अगर चाहिए तो प्लीज गूगल फॉर्म को फिलअप टाइम पे कर देना। सो दिस इज जितिन कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।